हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग पीडिया। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और उनका क्या व्यूज होता है और क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो पहले हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरमीडिएटर बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। मतलब जो हम यूज़र यूज़र मतलब जो डेटा यूज़ करते हैं और जो हार्डवेयर होता है उसका इंटरमीडिएटर होता है। तो इट इज़ ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एन इंटरफेरेंस बिटवीन यूज़र एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ द कंप्यूट सिस्टम इन मोर कन्वीनियंट टू वीक एंड इफिशियंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये जैसे कि बना ये हार्डवेयर, फिर बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आता है सिस्टम एप्लीकेशन, फिर यूज़र। जो ये रहा यूज़र, और यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो होता है उसी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हार्डवेयर में क्या आ सकता है? हार्डवेयर में जैसे कि सीपीयू, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और सिस्टम प्रोग्राम में हम करते हैं, एडिट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, सारे सिस्टम प्रोग्राम के अंडर ही होते हैं। और उसके बाद जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर होते हैं, वीडियो गेम्स, वेब ब्राउजर, जब वो हम कोई भी डेटा को सर्च करते हैं वो सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर होते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से लेयर व्यू होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो टोटल थ्री व्यूज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो पहला होता है यूज़र व्यू, दूसरा हार्डवेयर व्यू, तीसरा होता है सिस्टम व्यू। अब हम देखेंगे कि यूज़र व्यू का क्या काम होता है, कैसे होता है, ये सब देखेंगे। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है? तो यूज़र व्यू में होता है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस हाइड्स द डिटेल विच मस्ट बी परफॉर्म एंड प्रेजेंट ए वर्चुअल मशीन टू द यूज़र दैट्स मैक ईजियर टू यूज़। इसमें जो भी डेटा को एरर डिटेक्शन होता है, ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि लाइक एरर डिटेक्शन, एक्सेस टू इनपुट आउटपुट, ये सारी यूज़र व्यूज में होते हैं। इसमें डेटा को हाइड होने का जो भी काम होती है सारी यूज़र व्यू के अंदर होते हैं। अब जो नेक्स्ट देखेंगे वो हार्डवेयर व्यू होता है। इसमें द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द रिसोर्सेज इफिशेंटली इन ऑर्डर टू ऑफर द सर्विसेज टू द यूज़र प्रोग्राम। इसमें डेटा, जो भी सर्विसेज होती है, इसमें डेटा को कंट्रोल करते हैं, इनपुट और मॉनिटर, इसमें डेटा को मॉनिटर करता है, प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज जो सारे होते हैं, प्रोटेक्शन जो डेटा को, वो सारे हार्डवेयर व्यू में। जो लास्ट व्यू है थर्ड, सिस्टम व्यू, इसमें होता है इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज होती है, इसमें जैसे हमारे हार्डवेयर को अपग्रेड करना हो, ये सारे हमारे सिस्टम व्यूज में होते हैं। और इसमें जो भी हमारी फिक्सेस, जैसे लाइक कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो सारे सर्विसेज सिस्टम व्यू के अंदर होते हैं। इसमें कंट्रोल यूज़र यूज़र हार्डवेयर की जो भी ऑपरेशन है सारे कंट्रोल होते हैं सिस्टम व्यू के अंदर। अब हम देखेंगे कि क्या फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जो पांच फंक्शन हम देखेंगे, जो पहला फंक्शन है इट कंट्रोल ऑल द कंप्यूटर रिसोर्सेज, दूसरा इट प्रोवाइड वैल्यूएबल सर्विसेज टू यूज़र प्रोग्राम, जो थर्ड है इट कोऑर्डिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ यूज़र प्रोग्राम, और ये सपोर्ट करता है, जो फोर्थ है मल्टीपल एग्जीक्यूशन मोड्स, जो फिफ्थ है इट हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। अब हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे मैंने सात मेंशन किए हैं। जो पहला एडवांटेज है वो यूजर फ्रेंडली होता है। जो दूसरा है ये हेल्प करता है प्रोग्राम को रन करने में, और ये कंट्रोल करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को, और इसकी वजह से हमारा जो पीसी और सिस्टम जो भी होता है यूज़फुल हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मतलब बाय करना, परचेज करना बहुत चीप होता है, और मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। और जो लास्ट और सेवन्थ होता है वो जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं उसको कंफर्टेबल बनाता है। अब इसकी क्या डिसएडवांटेज है? पहली बात, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है हमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में। ये ट्रांसफरेबल नहीं है, और इसकी बहुत सारे जो जब कोई भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारे वायरस का भी हमें डर होता है, और एक्सपेंसिव होता है ट्रबल शूट में। और जो भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड होती है, नेटवर्क रिलायंस होता है, और बहुत बार कोई भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो फेलियर हो जाता है, मल्टीपल पॉइंट ऑफ फेलियर। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।